रियलमी मोबाइल में जब आप कॉल करते हैं तो वहाँ पे कॉलिंग करते समय आपकी जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाती होगी। दोस्तों कॉल करते टाइम अगर आपके रियलमी के स्मार्टफोन की जो स्क्रीन है या डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाती है और पावर वाला बटन दबाते हैं फिर भी ऑन नहीं हो रही है आपकी जो डिस्प्ले है फ़ोन की, ठीक है, रियलमी के स्मार्टफोन में, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम फिक्स करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में फिक्स करूँगा, अगर आप कॉलिंग करते हैं और आपकी डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, पावर वाला बटन दबाते हैं फिर भी आपकी डिस्प्ले नहीं या ऑन हो रही है, ठीक है, नहीं खुल रही है, जैसे कि आप कॉल लगाते होंगे तो इस तरीके से हो जाती होगी, और यहाँ पावर वाला बटन जब आप दबाते होंगे तो नहीं खुलती होगी, जैसे कि ये देखो खुल रही है लेकिन आपकी नहीं खुल रही होगी। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में बने रहना है क्योंकि ये रिसेंट में न्यू वीडियो है, नया तरीका है, बस आपको वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए चलते हैं, इस प्रॉब्लम को हम फिक्स करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे अपने मोबाइल की सेटिंग में, ठीक है, और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, ये आप देख सकते हैं, इसी पे आप टैप करेंगे, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप लिस्ट, इस पे आपको अब टैप करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे टैप करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी देर लोडिंग होगी, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है ऐप, सॉरी यहाँ पे आप सर्च करेंगे कॉल, इस तरीके से सर्च करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम सर्च करेंगे। अब जैसे ही आपके एप्लीकेशन यहाँ खुल जाएंगे उसके बाद टू डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सो सिस्टम पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखना है कॉल, इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया है कॉल, ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएंगे कॉल मैनेजमेंट, फोन कॉल, SMS स्टोरेज, तो कॉल मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इसे आप यहाँ से फोर्स स्टॉप करेंगे, स्टोरेज उस पर क्लिक करके यहाँ पे आप इस तरीके से क्लियर डाटा कर देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, मैनेज नोटिफिकेशन पे, अगर ये नोटिफिकेशन इस तरीके से बंद होंगी तो इन्हें आपको टैप कर देना है। ठीक है, और ये सभी नोटिफिकेशन ऑन तो होती हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आप परमिशन पे भी क्लिक करेंगे तो परमिशन यहाँ पे आपको दे देनी होगी, सभी परमिशन, ठीक है, जैसे पहले से अलाउ होंगी, ठीक है, और नहीं है तो दे देनी होगी। उसके बाद आप दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे आप दूसरे पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फोर्स स्टॉप कर देंगे, स्टोरेज यूज पे क्लिक करके यहाँ पे आप क्लियर कैच कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप परमिशन पे क्लिक करेंगे तो परमिशन पहले से अलाउड होंगी, नहीं है तो आपको दे देनी होगी। ठीक है, बेसिकली होती हैं ये। ठीक है, उसके बाद मैनेज नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, आपकी बंद हो तो इसे आप ऑन कर लीजिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डू नॉट शो इस तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कर लेना होगा। ठीक है, डोट इस तरीके से, अब यहाँ से आप इस तरीके से बैक जाएंगे, थोड़ा बैक आएंगे, अब यहाँ पे आपको डालना है फोन। ठीक है, जैसे मैं डाल देता हूँ फोन, फोन डाल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा है फोन सर्विस, फोन सर्विस पे आप क्लिक करेंगे, इसे भी आप यहाँ से फोर्स स्टॉप स्टोरेज उस पर क्लिक करके क्लियर डाटा कर दीजिए इसका भी। ठीक है, और परमिशन पे क्लिक करके सेम परमिशन आपको दे देनी होगी, ये तो पहले से अलाउ होती हैं बेसिकली। मैनेज नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, ये नोटिफिकेशन इस तरीके से हट सकती हैं तो आप यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, इस ऑप्शन को ऊपर वाला ही सिलेक्ट बना रहने दीजिए, उसके बाद इस तरीके से आप बैक जाएंगे, फिर आपको क्या करना है नेक्स्ट सेटिंग, ये सब करने के बाद आप सिंपल से बैक आएंगे। ठीक है, बैक आने के बाद आप फिर से अपनी सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर आप टैप करेंगे, यहाँ पे मैनेज नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैनेज नोटिफिकेशन, अब यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, अब यहाँ लिखा है कॉल मैनेजमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ऑन होगा, तो यहाँ इस लॉक स्क्रीन पर भी शो होगा, यहाँ बैनर पे भी शो होगा। ठीक है, तो इसे आप दोनों को ऑन कर लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर है तो नंबर यहाँ पे इस तरीके से बना रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, फिर आपको यहाँ से बैक चलना है, बैक चलना है इस तरीके से, जैसे मैं चल रहा हूँ, उसके बाद बिल्कुल बाहर आएंगे, आपको एक सेटिंग और करनी है, आपको फिर से जाना है सेटिंग के अंदर और यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको ऊपर सर्च बार में लिखना है एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आप अगर इस तरीके से लिखेंगे ACCC तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे शो हो जाएगी, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, ये आपको ऑन कर देना है। अब जब भी आपकी स्क्रीन जैसे ऑफ हो गई, ठीक है, और आप सोच रहे हैं अब कॉल कट कैसे होगी, तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई तो आप पावर वाला बटन दबाएंगे तो उससे आपकी जो कॉल होगी वो कट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसे ऑन रखिए। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, इस तरीके से ऑन रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग आपको क्या करनी है, आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर में। ठीक है, और यहाँ ऊपर मिलेगा फोन स्टोरेज, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप्स, ऐप से क्लिक करना है और यहाँ पे आपके बहुत सारे ऐप्स शो हो जाएंगे आपके फ़ोन के, तो इनका आपको सबका क्लियर कैच करना है इस तरीके से। ठीक है,
क्योंकि दोस्तों ये कभी कभी क्या होता है, हैंगिंग प्रॉब्लम से भी ये दिक्कत आ जाती है। आपके फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज खाली नहीं होता है तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सेटिंग जो मैंने आपको बताई है वो आप कर लेंगे और यहाँ पे आप सभी ऐपों का क्लियर कैच करेंगे, नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला क्लियर कैच करेंगे तो आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डिस्प्ले पे, ठीक है। और आपकी डिस्प्ले जब कॉल करेंगे, कॉल करते टाइम ऑफ नहीं होगी, ठीक है। और फालतू के एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में मत रखिए, यहाँ पे आप इस तरीके से अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कॉलिंग की, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूँ विदा, अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहिए जब भी अपडेट आए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो में विदा लेता हूँ। जय हिंद।